सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया था राजेंद्र नगर पुल के पास। अब इसको मशीन हम लोग लगाए थे कि लोग इससे नियंत्रित होकर नियंत्रण लगाने के बावजूद लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, इसलिए अंत में मजबूर होकर हम लोग को मार्केट बंद करना पड़ा है। और यहाँ के सारे लोगों को ये सलाह दी गई है कि फील्ड में घूम घूम कर ठेला पर बिक्री करें। मतलब यहाँ पर जो अस्थाई दुकानें लगती थी अब उसे प्रतिबंध कर दिया गया है। अस्थाई दुकानों के चलते हमारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम लोग जो है ये जो अब दुकानें लगा करती थी यहाँ, ये तत्काल बंद है या परमानेंट? तत्काल बंद हुई है, तत्काल जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए बंद है, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद फिर जैसा सरकार निर्णय लेगी। सर ये मशीन लगाया गया था जो लोग आते थे या सब्जी खरीदने के लिए, अपने अपने आप को सैनिटाइज कीजिए उसके बाद आप अंदर जाइए, मगर अब ये सुविधा नहीं मिल पाई। बॉडी सैनिटाइज हो रहा जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो कर पा, अंदर जाकर लोग नहीं कर रहे थे, इसके चलते ही मतलब जो लोग हैं नहीं मान पा रहे थे बात सरकार का। लोगों में पता नहीं इतनी जागरूकता फैलाने पर भी नहीं आ रही थी, इसके लिए हम लोग को मजबूरी में। ये फिलहाल ये मशीन कहाँ शिफ्ट हो रहा है सर, इसकी जानकारी मिली है? उच्च अधिकारियों का जो निर्णय होगा वैसा हो। और कोई निर्देश आया सर ये सब्जी मार्केट को लेकर? और कोई वैसा निर्देश तो नहीं, जो निर्देश आता है जो पैडलर से सर ये मार्केट में घूम के अब सब्जियां बेचेंगे? हाँ, वो बेचेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।